वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज अपन क्या पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले क्या है, अपन एक बार जो अपना पुराना टॉपिक है उसको समराइज कर लेते हैं। तो अपन ने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, फंक्शन ऑफ टेस्टिस एंड स्पर्मेटिक कोड, इनके बारे में क्या अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। तो एक बार अपन फिर से इसको समराइज कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस, इन ईच टेस्टिस आर 200 to 300 लोब्यूल्स विथ एंड विद इन ईच लोब्यूल्स आर 1 to 4 कॉन्वोल्यूटेड लूप कंपोज ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम सेल कॉल्ड सेमी प्लूरस ट्यूब। जो टेस्टिस है वो किससे बनता है, 200 से 300 लोब्यूल्स क्या है उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, और प्रत्येक जो लोब्यूल्स है उसके अंदर क्या है, 1 से 4 कॉन्वोल्यूटेड लूप बने रहते हैं, जो किससे बनते हैं, जर्मिनल एपिथेलियल सेल से बनते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेमी प्लूरस ट्यूबुल्स अपन इनको बोलते हैं। बिटवीन द ट्यूबल्स देर आर ग्रुप ऑफ इंटरस्टिशियल सेल दैट सीक्रेट द हॉर्मोन टेस्टोस्टेरोन आफ्टर प्यूबर्टी। जो ट्यूबल्स है उनके बीच में क्या प्रेजेंट रहता है, इंटरस्टिशियल सेल प्रेजेंट रहती है ग्रुप्स में, और वो क्या सीक्रेट करती है, हॉर्मोन, कौन सा, टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन सीक्रेट होता है कब, प्यूबर्टी के दौरान। एट द अपर पोल ऑफ द टेस्टिस द ट्यूबल्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल ट्यूब। दिस ट्यूब अबाउट 6 मीटर इन इट यू फुल लेंथ, ये ट्यूब क्या है, 6 मीटर लंबी होती है फुल लेंथ में, एंड इट सेपरेट एंड इट रिपीटेडली फोल्डेड ए टाइटली पैक इन टू ए मास दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। ये क्या है, जो ट्यूब है ये क्या होती है, 6 मीटर क्या है लेंथ होती है इसकी, और ये क्या है, रिपीटेड क्या है, फोल्ड रहती है बार बार, क्या लिपटी हुई रहती है, टाइटली पैक होती है किसमें, मास में, जिसको क्या बोलते हैं अपन, एपिडिडाइमस बोलते हैं। इट लीव द स्कोटम एट द डिफरेंट डक्ट इन स्पर्मेटिक कॉर्ड। ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स पास टू द टेस्टिस इन द स्पर्मेटिक कॉर्ड। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ द टेस्टिस। स्पर्म आर प्रोड्यूस इन द सेमिनिफेरस ट्यूबल्स ऑफ द टेस्टिस एंड मैच्योर एज दे पास थ्रू द लॉन्ग एंड कॉन्वोल्यूटेड एपिडर्मिस वेयर दे आर स्टोर। द हॉर्मोन कंट्रोलिंग स्पर्म प्रोड्यूस इज एफएसएस फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ए मैच्योर स्पर्म हैज ए हेड ए बॉडी एंड ए लॉन्ग विप लाइक टेल दैट इज यूज फॉर मोटिलिटी। मैच्योर स्पर्म में क्या होता है, हेड होता है, बॉडी होती है, और उसकी क्या है, लॉन्ग पूंछ होती है, जो क्या करती है, मोटिलिटी में हेल्पफुल होती है। द हेड इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली फिल्ड बाई द न्यूक्लियस कंटेनिंग इट्स डीएनए। और वो जो हेड है वो किससे बनता है, न्यूक्लियस से बनता है। तो फंक्शन ऑफ टेस्टिस क्या क्या फंक्शन है,
sperm is produced in the seminiferous tubules of the testes and mature. They pass through the long and convoluted epididymis where they are stored. The hormone controlling sperm production is FSH from the anterior pituitary gland. A mature sperm has a head, a body and a long whip-like tail that is used for motility. The head is almost completely filled by the nucleus containing its DNA. It also contains the enzyme required to penetrate the outer layer of the ovum to reach and fuse with its nucleus. The body of the sperm is packed with the mitochondria, which fuel the propelling action of the tail that power the sperm on its journey into the female reproductive tract. Successful spermatogenesis takes place at a temperature about 3 degrees Celsius below normal body temperature. The testes are cooled by their position outside the abdominal cavity, and the thin outer covering of the scrotum has very little insulating fat. So, क्या है function में क्या है next? It also contains the enzyme. क्या है इनको enzyme की require होती है to penetrate the outer layer of the ovum to reach and fuse with its nucleus. किसके लिए? आउटर लेयर ऑफ द पेनिट्रेट करने के लिए. किसको पेनिट्रेट करते हैं? आउटर द लेयर ऑफ द ओवम टू रीच एंड फ्यूज विद इट्स न्यूक्लियस. द बॉडी ऑफ स्पर्म इज पैक. तो बॉडी स्पर्म की वो पैक रहती है विद माइट्रोकॉन्ड्रिया व्हाइल फ्यूल द प्रोपेलिंग एक्शन ऑफ द टेल दैट पावर द स्पर्म ऑन इट जर्नी इन टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. Successful spermatogenesis takes place at a temperature about 3 degree below normal body temperature. Successful spermatogenesis कहाँ पे होता है? जब body का temperature normal temperature से 3 degree below रहता है जहाँ पे. The testes are cooled by a position outside the abdominal cavity and their thin outer covering of the scrotum has very little fat. नेक्स्ट है स्पर्मेटिक कॉर्ड. द स्पर्मेटिक कॉर्ड सस्पेंडेड द टेस्टिस इन द स्कोर्टम. ईच कॉर्ड कंटेंट ए टेस्टिकुलर आर्टरी, टेस्टिकुलर वेन, लिम्फेटिक्स, ए डिफरेंट डक्ट एंड टेस्टिकुलर नर्व विच कम टूगेदर टू फॉर्म द कॉर्ड फ्रॉम देयर वेरियस ओरिजिन इन द अबडोमन. द कॉर्ड विच इज कवर्ड इन ए सीथ ऑफ स्मूथ मसल्स एंड कनेक्टिव एंड फाइबरस टिश्यू एक्सटेंड थ्रू द इनगुइनल कैनाल एंड it and is attached to the testis on the posterior wall. The spermatic cord mein kya hota hai? The spermatic cord suspend the testis in the scrotum. Each cord contained a testicular artery. Pratek cord ke kya hota hai? Testicular artery hoti hai, vein hoti hai, lymphatics hote hain, a different duct and testicular nerve which come together to form the cord from their various origin in the abdomen. The cord which is covered in a sheath of smooth muscles. जो cord है वो किससे covered रहता है? एक sheath के अंदर with smooth muscles and connective and fibrous tissue. Connective और fibrous tissue होते हैं. Extend through the inguinal canal and it attached to the testes on the posterior wall.
नेक्स्ट क्या है, द टेस्टिकुलर आर्टरी, दिस इज द ब्रांच फ्रॉम द एब्डोमिनल, टेस्टिकुलर आर्टरी किसकी ब्रांच है, दिस इज द ब्रांच फ्रॉम द एब्डोमिनल आर्टा जस्ट बिलो द रीनल आर्टरी, और कहाँ पे प्रेजेंट होती है, जस्ट बिलो द रीनल आर्टरी। तो टेस्टिकुलर आर्टरी क्या है, दिस इज ए ब्रांच फ्रॉम द एब्डोमिनल आर्टा जस्ट बिलो द रीनल आर्टरीज। नेक्स्ट क्या है, टेस्टिकुलर वेन, दिस पास इनटू द एब्डोमिनल कैविटी, द लेफ्ट वेन ओपन इनटू द लेफ्ट रीनल वेन एंड द राइट इनटू द इंफीरियर वेना केवा। टेस्टिकुलर वेन क्या है, वो कहाँ पे होती है, पास इनटू द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी से पास करती है, जो लेफ्ट साइड की वेन है वो कहाँ पे ओपन होती है, लेफ्ट रीनल वेन में ओपन होती है, और राइट जो है वो कहाँ पे होती है, इन्फीरियर वेना केवा के अंदर क्या है, ओपन होती है। नेक्स्ट है लिम्फ ड्रेनेज, दिस इज थ्रू द लिम्फ नोड अराउंड द आयोटा। टेस्टिकुलर आर्टरी क्या है, दिस इज ए ब्रांच फ्रॉम द एब्डोमिनल आयोटा जस्ट बिलो द रीनल आर्टरी। टेस्टिकुलर आर्टरी क्या है, एब्डोमिनल आयोटा की क्या है, ब्रांच होती है, और कहां पे प्रेजेंट रहती है, जस्ट बिलो द रीनल आर्टरी। नेक्स्ट है टेस्टिकुलर वेन, दिस पास इनटू द एब्डोमिनल कैविटी, द लेफ्ट वेन ओपन इनटू द लेफ्ट रीनल वेन एंड द राइट इनटू द इंफीरियर वेना केवा। तो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर क्या है, प्रेजेंट पास होता है, लेफ्ट साइड की जो वेन है वो कहाँ पे ओपन होती है, लेफ्ट रीनल वेन में, और जो राइट साइड से आती है वो कहाँ पे ओपन होती है, इंफीरियर वेना केवा के अंदर आके क्या है वो ओपन होती है। लिम्फ ड्रेनेज कैसे होता है, दिस इज थ्रू द लिम्फ अराउंड लिम्फ नोड अराउंड द आयोटा। द डिफरेंट डक्ट, दिस इज ए सम 45 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये क्या है 45 सेंटीमीटर क्या है लॉन्ग होती है, इट पास अपवर्ड फ्रॉम द टेस्टिस थ्रू द इनगुइनल कैनाल एंड असेंड इमीडिएटली टुवर्ड द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ब्लैडर वेयर इज जॉइन बाय द डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल्स टू फ्रॉम द एक्सिलरी डक्ट। तो डिफरेंट डक्ट में क्या है, ये 45 सेंटीमीटर की क्या है लॉन्ग होती है, इट पास अपवर्ड फ्रॉम द टेस्टिस थ्रू द इनगुइनल कैनाल एंड असेंड इमीडिएटली टुवर्ड द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ब्लैडर देयर इज जॉइंड बाय द डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल्स टू फॉर्म द एक्सिलरी डक्ट। नेक्स्ट क्या है, नर्व सप्लाई, दिस इज प्रोवाइड बाय ए ब्रांच फ्रॉम द 10th एंड 11th थोरेसिक नर्व। नर्व सप्लाई कौन करता है, 10th एंड 11th जो थोरेसिक नर्व है वही क्या है यहां पे नर्व सप्लाई करती है। नेक्स्ट क्या है, सेमिनल वेसिकल्स, द सेमिनल वेसिकल्स आर टू स्मॉल फाइब्रोमस्कुलर पाउच लाइन विद द ग्लोमेरुलर एपिथेलियम लाइनिंग ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ब्लैडर।
ये क्या है? द सेमिनल वेसिकल्स आर टू स्मॉल फाइब्रो मस्कुलर पाउच. ये क्या है? दो स्मॉल पाउच होते हैं फाइब्रो मस्कुलर के, लाइन विद द क्लोमेरुलर एपिथेलियम. किससे लाइनिंग होती है इनकी? क्लोमेरुलर एपिथेलियम की लाइनिंग होती है. ले ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ब्लैडर. कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं? पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ब्लैडर पे क्या है ये? प्रेजेंट रहते हैं. एट इट लोअर एंड ईच सेमिनल वेसिकल्स ओपन इन टू द शॉर्ट डक्ट. जो एक लोअर है एंड है वो कहाँ पे क्या होता है? ओपन इन टू ए शॉर्ट डक्ट विच जॉइन विद द कोरिस्पॉन्डिंग डिफरेंट डक्ट टू फ्रॉम ए एक्सिलरी डक्ट. तो सेमिनल वेसिकल्स क्या है? द सेमिनल वेसिकल्स आर टू स्मॉल फाइब्रोमस्कुलर पाउच. ये क्या है? दो स्मॉल मस्कुलर पाउच होते हैं. लाइनिंग किसकी होती है? क्लोमेरुलर एपिथेलियम की क्या है? लाइनिंग होती है. और लाइंग ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ब्लेडर. सिचुएटेड कहाँ पे होते हैं? पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ब्लेडर पे क्या है ये? सिचुएटेड होते हैं. एट इट लोअर एंड ईच सेमिनल वेसिकल्स ओपन इन टू ए शॉर्ट डक्ट विच जॉइन द कोरिस्पॉन्डिंग डिफरेंट डक्ट टू फॉर्म ए एक्सिलरी डक्ट. नेक्स्ट क्या है? एक सेक्शन है किसका? पोस्टीरियर प्रोस्टेट ग्लैंड और वो उसके एसोसिएटेड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑन वन साइड. एक सेक्शन लिया है प्रोस्टेट ग्लैंड का और उसके साथ कौन से रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो ऐड रहती है. तो ब्लैडर दिखाया गया है, डिफरेंट डक्ट दिखाई गई है, सेमिनल वेसिकल्स दिखाई गई है, एक्सिलरी डक्ट है, प्रोस्टेट ग्लैंड है और यूरिथ्रा है. नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ द वेसिकल्स. फंक्शन क्या क्या है? द सेमिनल वेसिकल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेल देयर स्टोर कंटेंट सेमिनल फ्लूइड ड्यूरिंग एजुलेशन. सेमिनल फ्लूइड विच फॉर्म 60% ऑफ द बल्क ऑफ द फ्लूइड एजुलेटेड एंड एट ए मेल ऑर्गेनिज्म कंटेंट न्यूट्रिएंट टू सपोर्ट द स्पर्म ड्यूरिंग देयर जनरी थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव
फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ द सेमिनल वेसिकल्स, द सेमिनल वेसिकल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेल देयर स्टोर कंटेंट सेमिनल फ्लूइड ड्यूरिंग एजुलेशन. द सेमिनल फ्लूइड विच फॉर्म 60% ऑफ द बल्क ऑफ द फ्लूइड एजुलेटेड एम एट मेल ओरिजिन कंटेन न्यूट्रिएंट टू सपोर्ट द स्पर्म ड्यूरिंग द जर्नी थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक. नेक्स्ट है एक्सिलरी डक्ट. द एक्सिलरी डक्ट आर टू ट्यूब अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग ईच फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ द डक्ट फ्रॉम ए सेमिनल वेसिकल्स एंड ए डिफरेंट डक्ट. जो एक्सिलरी डक्ट है वो क्या है, दो ट्यूब हैं, ठीक है, 2 सेंटीमीटर की होती है. ईच फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ द डक्ट फ्रॉम ए सेमिनल वेसिकल्स एंड ए डिफरेंट डक्ट. They are passed through the prostate gland and join the prostatic urethra carrying seminal fluid and spermatozoa to the urethra. The axillary duct are composed of the same layer of tissue at the seminal vesicles. The axillary duct क्या है, दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर की लॉन्ग होती है. किससे बनती है, प्रत्येक जो बनती है किससे बनते हैं, यूनियन ऑफ द डक्ट फ्रॉम ए सेमिनल वेसिकल्स एंड ए डिफरेंट डक्ट. जो अपने सेमिनल वेसिकल्स हैं और डिफरेंट डक्ट है उनसे क्या है, उन दोनों के संगठन से क्या है, ये प्रत्येक बनती है. दे पास थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड, कहाँ से पास होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड से, एंड ज्वाइन द प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, किसको ज्वाइन करती है, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा को ज्वाइन करती है. कैरी सेमिनल फ्लूड, किसको कैरी करती है, सेमिनल फ्लूड को कैरी करती है. एंड स्पर्मेटोजोआ टू द यूरिथ्रा. द एक्सिलरी डक्ट आर कंपोज ऑफ सेम लेयर ऑफ द टिश्यू एज द सेमिनल वेसिकल्स. द एक्सिलरी डक्ट है वो क्या है, कंपोज ऑफ सेम लेयर ऑफ द टिश्यू एज द सेमिनल वेसिकल्स. नेक्स्ट है प्रोस्टेट ग्लैंड. द प्रोस्टेट ग्लैंड लाइज इन द पेल्विस कैविटी. कहाँ पे प्रेजेंट होती है, पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होती है. इन फ्रंट ऑफ द रेक्टम एंड बिहाइंड द सिंपाइसिस प्यूबिस. कहाँ पे, बिहाइंड द सिंपाइसिस प्यूबिस, सराउंडिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ द यूरिथ्रा. इट कंसिस्ट ऑफ एन आउटर फाइबरस कवरिंग ऑफ ए लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स एंड ग्रेनुलर सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ ग्लोमेरुलर एपिथेलियल सेल. जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो कहां पे लाइज होती है, पेल्विक कैविटी में, इन फ्रंट ऑफ द रेक्टम
एंड बिहाइंड द सिंपेसिस प्यूबिस सराउंडिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ द यूरिथ्रा. इट कंसिस्ट ऑफ एन आउटर फाइब्रस कवरिंग ए लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स. किसकी कंसिस्ट किससे होता है? फाइब्रस से, आउटर फाइब्रस की कवरिंग होती है ए लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स एंड ग्रेनुलर सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ क्लोमेरुलर एपिथेलियल सेल. नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड. प्रोस्टेट ग्लैंड के फंक्शन क्या क्या हैं? द प्रोस्टेट ग्लैंड सीक्रेट ए थिन मिल्की फ्लूइड दैट मेड अप ऑफ अबाउट 30% ऑफ सीमन एंड गिव इट मिल्की अपीयरेंस. द प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है? सीक्रेट करती है किसको? थिन और मिल्की फ्लूइड लाइक सीक्रेट करती है, जिसके अंदर क्या है 30% क्या है सीमन होता है एंड गिव इट मिल्की अपीयरेंस. और क्या है वो? मिल्की अपीयरेंस प्रदान करता है. इट इज स्लाइटली एल्कलाइन. ये क्या है? स्लाइटली एल्कलाइन होता है विच प्रोवाइड ए प्रोटेक्टिव लोकल एनवायरनमेंट ऑफ फॉर स्पर्म अराइविंग द एसिडिक वेजाइना. इट ऑल्सो कंटेन ए क्लोटिंग एंजाइम विच थिकनेस द सीमन इन द वेजाइना इंक्रीजिंग द लाइकिंग लीकिंग हुड ऑफ सीमन बींग रिलेटिंग इन द वेजाइनेसिटी ऑफ द सर्विक्स. फंक्शन क्या है? द प्रोस्टेट ग्लैंड सीक्रेट ए थिन मिल्की फ्लूड. एक थिन मिल्की फ्लूड जो है वो सीक्रेट करता है दैट मेड अप अबाउट 30% ऑफ द सीमन एंड गिव द मिल्की अपीयरेंस. इट इज स्लाइटली एल्कलाइन. ये क्या है? स्लाइटली एल्कलाइन होता है विच प्रोवाइड ए प्रोटेक्टिव लोकल एनवायरनमेंट फॉर स्पर्म अराइविंग इन एसिडिक वेजाइना. इट इज ऑल्सो कंटेन ए क्लोटिंग एंजाइम विच thickness the semen in the vagina increasing the likelihood of semen being retaining in the vaginosity of the cervix. अपना जो next topic है वो क्या है? urethra and penis. thanks to all.